वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इडियम्स और फ्रेजेस लेक्चर में आज पांचवा लेक्चर प्रस्तुत है। इसमें भी पांच इडियम्स और फ्रेजेस हम देख लेंगे, 21st से लेकर के 25th तक का पांच है। आज का पहला होगा टू बर्न मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल बर्न करना, जलाना। मिडनाइट ऑयल कब जलाते हैं? जब देर तक पढ़ते हैं तब जलाते हैं, मध्य रात्रि तक। मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि तक। तो देर तक हमें तेल जलाना मतलब क्या कि देर रात्रि तक पढ़ना। जब देर रात्रि तक पढ़ते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? रात दिन एक कर देना, क्योंकि नॉर्मली हम तो मध्य रात्रि तक नहीं पढ़ते हैं। तो रात दिन एक करना आएगा इसका मीनिंग, और इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। अ स्टूडेंट बर्न्स मिडनाइट ऑयल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। एक विद्यार्थी बर्न्स मिडनाइट ऑयल रात दिन एक कर देता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, परीक्षा के दिनों के दौरान। एक विद्यार्थी परीक्षा के दिनों के दौरान रात दिन एक कर देता है, यह है टू बर्न मिडनाइट ऑयल। तो पहला हो गया टू बर्न मिडनाइट ऑयल, याद रखेंगे आप। दूसरा पैंडोरा बॉक्स। पैंडोरा बॉक्स की हिंदी है वरदान के रूप में अभिशाप। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। वरदान, वरदान मतलब किसी ने हमें, अभी वरदान तो कोई देगा नहीं, तो किसी ने हमें गिफ्ट दे दिया, एक एलिफेंट। अब इस एलिफेंट को खिलाना, देखभाल करना, यह सब काफी अधिक खर्चीला होता है। इतना खर्चीला होता है कि एक अमीर बहुत जल्द ही गरीब हो जाएगा, और यह एलिफेंट उसके लिए अभिशाप के जैसा साबित हो जाएगा। तो क्या कहेंगे इस एलिफेंट को? क्या कहेंगे इस एलिफेंट को? कहेंगे हम पैंडोराज बॉक्स। इसे बोलेंगे पैंडोराज बॉक्स। पैंडोराज बॉक्स कहेंगे, मतलब यह क्या है? यह दुख का खजाना है। पैंडोराज बॉक्स की एक और हिंदी होती है दुख का खजाना। दुख का खजाना, ये खजाना है। एलिफेंट तो खजाना है, वैल्यू इसका अधिक होता है, लेकिन कैसा है दुख? दुख का कारण क्या है? इसका देखभाल करना बहुत खर्चीला है, हमें गरीब करते जा रहा है। तो इसे दुख का खजाना चाहे वरदान के रूप में अभिशाप, याद रखिए पैंडोराज बॉक्स। दूसरा सेंटेंस लिखा है इसमें ऐसे, कटिंग ट्रीज हैज प्रूव टू बी अ पैंडोराज बॉक्स। देखिए पेड़ काटते हैं, पेड़ काटना हमारे लिए वरदान है, प्रकृति का वरदान है पेड़, जिसे हम काट कर अपने जरूरत के लिए यूज करते हैं, चाहे जलाना हो चाहे कोई आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना हो पेड़ से। तो एक तरह से वरदान हो गया, लेकिन जब काट देते हैं तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो हानि पहुंच गया है, जिसका प्रभाव हम सब देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो पेड़ काटना क्या कहलाएगा? इनिशियली तो है फायदा मिल रहा है, लेकिन बाद में जब इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं तो प्रकृति पे जो कुप्रभाव पड़ रहा है, इसे हानि मिल रहा है। तो यह भी क्या कहलाएगा? पैंडोराज बॉक्स कहलाएगा, पेड़ काटना। तो कटिंग ट्रीज हैज प्रूव टू बी अ पैंडोराज बॉक्स, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यह इडियम है पैंडोराज बॉक्स, दुख का खजाना या वरदान के रूप में अभिशाप। पहला क्या हुआ? टू बर्न मिडनाइट ऑयल, रात दिन तक, रात दिन एक करना, ये एग्जाम में आया है। कितने एग्जाम में आया है ये टू बर्न मिडनाइट? ऐसे जितना कलेक्शन किया है ये सब एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन अगर ये सब दो बार आए हैं तो टू बर्न मिडनाइट ऑयल चार बार आया हुआ है, मतलब इन समय बहुत इंपॉर्टेंट है टू बर्न मिडनाइट ऑयल। नाउ पैंडोराज बॉक्स भी खत्म हो गया है। अब पेनलोपी वेब, इसका उच्चारण है पेनलोपी, पेनलोपी एस लिखा है तो पेनलोपीज कर दीजिए, और वेब मतलब होता है जाल, तो पेनलोपी का जाल, पेनलोपी का जाल हो गया। पेनलोपी क्या है? पेनलोपी एक क्वीन का नाम है। एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है ग्रीस की। ग्रीस की एक क्वीन थी, राजकुमारी थी पेनलोपी। इस राजकुमारी की शादी किसी राजा से हुई,
राजा लड़ाई लड़ने गए तो राजा बहुत दिनों तक वापस नहीं आए घर, बहुत वर्षों तक नहीं आए। तो जो क्वीन के पिताजी थे उन्होंने कहा कि आप दूसरी मैरिज कर लो, तो पेनलोपी ने कहा कि नहीं। फिर जब दबाव बना तो पेनलोपी ने कहा ठीक है करेंगे, मुझे एक स्वेटर बुनना है। दिस इज एक काल्पनिक कहानी है, मुझे एक स्वेटर बुनना है, ये सत्य नहीं है। स्वेटर मेरा पूरा हो जाएगा तो फिर मैं हाँ बोल दूंगी। तो वेब जाल उन्होंने क्या किया, स्वेटर बुनना शुरू किया। दिन भर स्वेटर बुनती थी और रात को उसको अंडू कर देती थी। अंडू मतलब बिगाड़ देती थी फिर से। इनका लॉजिक क्या था कि नहीं, सही डिजाइन नहीं हुआ। तो ऐसे ही रोज दिन भर स्वेटर बुनती और रात को फिर खत्म, दिन भर बुनती और रात को फिर से अंडू कर देती। तो ये क्या था, पेनलोपी का वेब था जिससे उनको बचना था, शादी नहीं करना था किसी दूसरे से। तो कहा गया कि पेनलोपी का वेब है, स्वेटर बुनना उभारना स्वेटर बुनना बिगाड़ना उसको अंतहीन है, अंतहीन कहा गया। इसलिए पेनलोपी वेब बन गया एक इडियम। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अ पेनलोपी वेब। प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी इज होता है या है पेनलोपी वेब, अंतहीन है। परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी अंतहीन है, पेनलोपी वेब है। नाउ फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज का होता है स्वर्ग, हिंदी है इसका स्वर्ग। फूल का मतलब जानते हैं मूर्ख, मूर्ख का स्वर्ग। मूर्ख का स्वर्ग क्या मतलब, वो बहुत ही सपनों का पुल बांधता है। मूर्ख लोग ही बांधता है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मेहनत नहीं करता, केवल सपने देखता है। बोलते हैं फूल्स पैराडाइज है वो, क्या है, झूठी आशा है, झूठी आशा। सक्सेस विदाउट हार्डवर्क इज फूल्स पैराडाइज। सफलता बिना कठिन परिश्रम का फूल्स पैराडाइज है, झूठी आशा है। बिना परिश्रम किस का जो है सफलता प्राप्त कर लेना, यह झूठी आशा है, फूल्स पैराडाइज है। अभी क्या देखा, टू बर्न मिडनाइट ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट, रात दिन एक करना। पैंडोराज बॉक्स ये देख लिया आपने, एलिफेंट से भी और ट्री कटिंग से भी, दोनों से पैंडोराज बॉक्स कैसे होता है, दुख का खजाना चाहे वरदान के रूप में अभिशाप, साबित किया हमने। पेनलोपी वेब अंतहीन, अंतहीन क्यों, और स्वेटर बुनना और बिगाड़ देना उसको, फिर बुनना बिगाड़ देना, कभी पूरा ही नहीं होगा स्वेटर वो, अंतहीन है, पेनलोपी वेब है। नाउ फूल्स पैराडाइज झूठी आशा, फूल्स पैराडाइज झूठी आशा। फिर 40 विंग्स, 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी, हिंदी है इसकी झपकी। दिन में थोड़ी नींद, 40 विंग्स का झपकी चाहे दिन में थोड़ी नींद, दो है एग्जाम में, दिन में थोड़ी नींद अधिक पूछता है, झपकी भी पता होना चाहिए आपको 40 विंग्स। जैसे हम अचानक से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और फिर खुल जाती हैं, उसे झपकी कहेंगे। और दिन में थोड़ी नींद का मतलब हम दोपहर में या दिन में कभी भी थोड़े समय के लिए 5 मिनट 10 मिनट सोते हैं, उसे भी कहते हैं 40 विंग्स। वी आर अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू मतलब आदि हैं, अकस्टम टू प्रीपोजिशन में देखा है हमने कि अकस्टम के साथ टू ही आता है, याद रखेंगे आप। तो वी आर अकस्टम टू मतलब हम आदि होते हैं 40 विंग्स इन समर, गर्मी में दिन में थोड़ी नींद के, गर्मी में दिन में थोड़ी नींद के, चाहे गर्मी में झपकी के हम आदि होते हैं। तो इस तरह से इडियम्स और फ्रेजेस में 5, टू बर्न मिडनाइट ऑयल, पेंडोराज बॉक्स, पेनलोपी वेब, फूल्स पैराडाइज और 40 विंग्स है। आप थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।